अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज हम आए हुए हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहां पर बुक फेयर का जो है ना फेस्टिवल लगा हुआ है। ये देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पर नीचे सारे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है ना हम आपको नीचे भी जाकर दिखाते हैं, एक एक स्टॉल पे जाकर दिखाते हैं कि कौन कौन से बुक अवेलेबल है। और मेरे साथ जो है ना दो फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, दो रिश्वा। हेलो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खान जतोई है और आज जो है और जो हमने बहुत अच्छे से टेस्ट किया और फिर हमने सोचा इतना लाटाने से आए हैं झूठे, तो हम सोचा आज हम प्रोग्राम करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। मेरे एक भाई ने बोला, एक फ्रेंड ने, तो चलो आज हम कराची एक्सपो सेंटर घूमने चलते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा, हमें यहाँ पे बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। और सामने एक्टिविटी लाउंज है, बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, वहाँ चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे ये सामने एक्टिविटी लॉन्च है, यहाँ पर बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, जो जो बच्चा सही ड्राइंग कर रहा है उसको गिफ्ट भी दे रहे हैं, कैप्स है इनके पास और टी शर्ट भी और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। जो जो बच्चा सही ड्राइंग कर रहा है उन सबको ये देखिए टी शर्ट और कैप्स भी देते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है ना फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं, नीचे ये बुक फेस्टिवल चल रहा है। ये सारे जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उन सब के स्टॉल लगे हुए हैं नीचे। कल लास्ट डेट है इसकी 12 दिसंबर। ये फूड स्टॉल लगे हुए हैं सारे। ये देखिए ये फूड स्टॉल लगे हुए हैं। और ये वाइटल टी का स्टॉल, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये चेक करें, ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं बुक्स के, बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं जो सब के स्टॉल लगे हुए हैं। अभी हम आपको एक एक स्टॉल पे जाकर दिखाएंगे कि कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है। अभी हम जो है ना हॉल नंबर 3 के तरफ जा रहे हैं अंदर, जहाँ पर जो है सारे स्टॉल लगे हुए हैं। अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन की हुई है, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। ये फेस्टिवल जो है 8 दिसंबर से शुरू था और 12 दिसंबर पर ख़त्म है। ये हम पहले स्टॉल पे आ चुके हैं, अभी यहाँ पर बच्चों के ड्राइंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं सारे और स्टोरी बुक्स पड़ी हुई हैं। अभी हम जो है आगे जा रहे हैं, यहाँ पर उर्दू अदब की बुक्स पड़ी हुई हैं और इन पे जो है ना 50% डिस्काउंट भी है। ये सारी उर्दू की बुक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कल लास्ट डेट है 12 दिसंबर और ये दोनों मेरे दोस्त जो है ना अपने लिए बुक देख रहे हैं कि जो इनको बुक चाहिए वो यहाँ पर मिल नहीं रही है। और इस स्टॉल का नाम है वेलकम बुक पोर्ट, पब्लिशर, एक्सपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर आपको उर्दू अदब की सारी बुक्स मिल जाएंगी। और ये हम आ गए हैं पाक कंपनी लिमिटेड की तरफ, जहाँ पर कुरान पाक पड़े हुए हैं और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे कुरान पाक मिल जाएंगे। अभी हम अगले स्टॉल की तरफ जा रहे हैं आगे, ये मकतबतुल मदीना, ये दावत इस्लामी वालों का स्टॉल है। यहाँ पर जो है ना आपको उनका जो भी बुक चाहिए इस्लामिक वो आपको मिल जाएगा। अभी हम आगे एक और स्टॉल की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है वी शाइन। यहाँ पर जो है बच्चों की आपको सब किताबें मिल जाएंगी, ये ड्राइंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं और ये देखें ये स्टोरीज की बुक्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर।
बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, इन स्टॉल को विज़िट कर रहे हैं। आप भी हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और ये जो है ना, ये यूट्यूब की बुक पड़ी हुई है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, इनमें से हम कोई बुक चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ तो हमें नहीं मिली। यहाँ पर जो है ना 200 रुपीज़ की सेल है, वहाँ पर 50% की सेल थी। हम अभी बाहर की तरफ वापस जा रहे हैं एग्जिट होकर, और बाहर बहुत रश है क्योंकि आज संडे भी था इसी वजह से, और सेकंड लास्ट डे भी था इसका बुक फेयर फेस्टिवल का, इसी वजह से भी बहुत फैमिलीज आई हुई हैं और रश बहुत है आज। ये अभी आपको ऊपर से पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं, नीचे कितना रश है। अरे तोरो मथे मथे हल लाइन में जछो हल।